हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने आज वीडियो अपलोड करने का सोचा। क्यों? क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है। मैंने 5 क्वेश्चंस डाले। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ड्रैगन फ्लाइज आर एनिमीज ऑफ फर्स्ट रैट्स, सेकंड अल्ब्यूगो, थर्ड पाइसेस, फोर्थ मस्कीटोज। थिंक फॉर 5 सेकेंड्स। हाँ जी, द आंसर इज करेक्ट आंसर इज मस्कीटोज। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, दोस्त दोस्त ना रहा। ड्रैगन फ्लाइज आर इंसेक्ट्स, मस्कीटोज आर इंसेक्ट्स, ड्रैगन फ्लाइज आर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। रैट्स मैमल्स हैं, अल्ब्यूगो फंगस है, पाइसेस फिश की बात हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मस्कीटोज आपको पता लग चुका है। अगर फ्री के नंबर लेने हैं ना तो ये टॉपिक अच्छे से कर जाना। ये क्वेश्चन लगभग आता होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। बेक्यूलो वायरसेस एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम। फर्स्ट ऑप्शन नैरो स्पेक्ट्रम, सेकेंड इज नॉन स्पेसिफिक, थर्ड इज अटैक फंगस, फोर्थ इज मिथानोजन। यू हैव 5 सेकेंड्स। आंसर इज नैरो स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही अटैक करेगा, सबको नहीं अटैक करता है। इसकी वजह से आसपास के प्लांट्स को भी, आसपास के दूसरे इंसेक्ट्स को भी अफेक्ट नहीं होता है। ये फंगस को अटैक नहीं करता है। मिथानोजन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मिथानोजन का मतलब होता है मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। के बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कुछ मिथानोजन्स पाए जाते हैं, जबकि ये वायरस है। बेक्यूलो वायरस एक जीनस जो कि न्यूक्लियो पोलीहिड्रो वायरस है उसके अंडर आता है, और ये स्पेसिफिक फॉर्म में ही मिलेगा। अगर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर मक्खन है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। चूज ऑड वन आउट, फर्स्ट इज लेडी बर्ड, सेकेंड इज जेसेट्स, थर्ड है बीटल, फोर्थ है एल्ब्यूगो। यू हैव 5 सेकेंड्स। आंसर इज अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो क्या होती है? फंगस होती है। बीटल क्या है? इंसेक्ट है। जेसेट्स क्या है? इंसेक्ट है। लेडीबर्ड क्या है? इंसेक्ट है। बीटल ही है वो भी। जब भी आप चैप्टर में कोई भी साइंटिफिक नेम पढ़ें उसके बारे में ज़रूर नेट पर सर्च कीजिए। ये क्वेश्चन तो तुम्हारी जनरल नॉलेज को ही चेक करेगा। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर विच वर्क्स ओनली बाय द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। यू हैव 5 सेकेंड्स। इसका आंसर फॉल्स है। देखो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हाइफन डाल के लिखा हुआ है, बाय द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूज करती है जो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही बायो फर्टिलाइजर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करते हैं, उसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स ये भी काम करते हैं। ना 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 ना, 11th नहीं पीछा छोड़ेगी, 12th का क्वेश्चन है, सारी नॉलेज 11th की चाहिए। चूज ऑड वन आउट, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ग्लोमस, राइजोबियम। यू हैव 5 सेकेंड्स। आंसर है ग्लोमस। ग्लोमस क्या है? फंगस है। ये ऐसी फंगस है जो माइकोराइजा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लांट एंड फंगस का जो एसोसिएशन होता है उसे माइकोराइजा बोला जाता है। एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम तीनों बैक्टीरिया हैं। एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग फॉर्म में, राइजोबियम फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक फॉर्म में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ भूलिए मत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपके इन लाइक से, सब्सक्रिप्शन से ही हमें एक मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लेकर आएँ। स्टे कनेक्टेड।